बनारस की ज्ञानव्यापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होने के बाद से राजनीतिक दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है। ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर ज्ञानव्यापी का मुद्दा उठा रही है ताकि असली मुद्दों से भटकाया जा सके। इस बीच एक डिबेट शो में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और ओवैसी के बीच ज्ञानव्यापी में पाए गए शिवलिंग के मुद्दे पर जबरदस्त बहस देखने को मिली। सुधांशु त्रिवेदी ने ओवैसी से पूछा कि हमें ये बता दें कि ज्ञान और व्यापी शब्द का इस्लाम से क्या रिश्ता है और ये भी बता दें कि काशी का इस्लाम से क्या संबंध है। इस चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब का जिक्र किया गया। पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की किताब अयोध्या राइजिंग में काशी पर एक चैप्टर लिखा गया है जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर पुरातन कालीन है, इसे मुगलिया संतुलन में तोड़ा गया, हिंदुओं ने फिर बनाया और औरंगजेब के शासनकाल में उसे फिर से तोड़कर मस्जिद बना दी गई। 1114 से इस मंदिर को बार बार तोड़ा जा रहा है लेकिन फिर मंदिर बनता रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कबूल किया है कि ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है बल्कि द्वाराधीश शिवलिंग में से एक है। सलमान खुर्शीद की किताब में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। कांग्रेस नेता की किताब में लिखी ये सब बातें साबित होता है कि ज्ञानव्यापी कभी मंदिर हुआ करता था, लेकिन वही सलमान खुर्शीद ने ज्ञानव्यापी को लेकर कहा किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में लगता है कि किताब से कांग्रेस पार्टी खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद केस जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।